विपसना से मानसिक व्याधियों से मुक्ति, विपसना से ओसीडी डिप्रेशन से मुक्ति कैसे संभव है, आज के इस अद्भुत टीचिंग वीडियो में जान लेते हैं। हेलो नमस्कार, मैं साइको गुरु राजेंद्र आदित्य जोधपुरिया आज के इस अद्भुत साइको एजुकेशनल वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। विपसना से मानसिक व्याधियों से मुक्ति, वास्तव में इस मानवता को सबसे बड़ी कोई देन है महात्मा बुद्ध द्वारा, वो है विपसना। विपसना द्वारा हजारों लाखों लोगों ने बुद्धत्व को प्राप्त किया है और विपसना बिल्कुल आसान, बिल्कुल सरल है, कोई इंसान कर सकता है, यहाँ तक कि बच्चा भी कर सकता है, बीमार भी कर सकता है। कुछ भी करने की तो इसमें ज़रूरत ही नहीं होती, बस जागने की ज़रूरत होती है। कैसे होती है वही आज जान लेते हैं। सबसे पहले देहस्थि योग, हम कुछ योग के बारे में, कुछ सती योग के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले देहस्थि योग, चाहे कोई मानसिक व्याधि है, चाहे ओसीडी है, डिप्रेशन है, सबसे पहले देह के ऊपर आ जाएं। ये सबसे आसान तरीका है कि जो शरीर है उसके अंदर जो महसूस हो रहा है, जो क्रिया विक्रिया हो रही है, उसके बारे में जानना है। जैसे कोई दर्द महसूस हो रहा है, कहीं पर भी कोई दर्द की सेंसेशन है, उसको महसूस करना है कि दर्द महसूस हो रहा है, उस स्थान पर अपना ध्यान ले जाएं और उस दर्द के प्रति जागते रहें, उस दर्द के प्रति जागते रहें। वास्तव में जहां भी कहीं दर्द है, कोई अन्य शारीरिक परेशानी है, कहीं भी कोई डैमेज है, अंग डैमेज है, कुछ भी है, ए टू जेड शारीरिक परेशानी, उस जगह पर अपना ध्यान लेकर जाना है और उस स्थान के प्रति या उस परेशानी के प्रति जाग जाना है। उदाहरण के तौर पर दर्द के प्रति जाग जाना है, जहां भी दर्द है। इससे दर्द तो कम नहीं होगा, लेकिन दर्द से जो दुख होता है वो जरूर मिट जाएगा। वास्तव में इंसान को दर्द उतनी तकलीफ नहीं देता है, लेकिन उस दर्द से जुड़ा हुआ दुख ज़्यादा तकलीफ दे जाता है। किसी इंसान को चोट लगती है, अगर वो सोचे कि मुझे ही चोट क्यों लगती है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, हमेशा मुझे ही चोट लग जाती है, वो इस भाव दशा के अंदर ज़्यादा दर्द महसूस करेगा। अगर उसे चोट लग जाती है कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ है, अभी चोट लगी है, कल को ठीक हो जाएगी। अगर वो ऐसा सोचता है या ऐसा महसूस करता है तो उसकी चोट ठीक होने में कम समय लगेगा और चोट से दर्द भी कम होगा। तो सबसे पहला कदम है देह सति योग, देह में जहां भी कोई परेशानी है उसके प्रति जाग जाना है। और दूसरा है विचार सति योग, जो विचार मन में चल रहे हैं ऐसा महसूस करना है जैसे टीवी स्क्रीन है, मन के पर्दे को टीवी स्क्रीन मान लेना है कि जैसे टीवी स्क्रीन के ऊपर चित्र चलते हैं, इमेजेज आती है, बदलती रहती है और हम देख रहे हैं, वैसे ही हमारे मन के पर्दे पर कुछ विचार आते हैं, चले जाते हैं। कभी विचार ए आते हैं, कभी विचार बी आते हैं, कभी डराने वाले, कभी धमकाने वाले, कभी चिंता वाले, कभी फ्रस्ट्रेशन वाले, कभी मूड लो करने वाले, कभी मूड हाई करने वाले, तरह तरह के विचार मन में आते ही रहते हैं। उन विचारों को देख करके उनके प्रति जाग जाना है, ये है विचार सतयोग। और तीसरा कदम है भाव सतयोग, हमारे ये सिस्टम के अंदर एक दिन के अंदर लगभग 29 मूड बदलते रहते हैं। कभी प्यार वाला फीलिंग महसूस करता है इंसान, कभी दुख वाला, कभी चिंता वाला, कभी डर वाला, कभी घृणा वाला, कभी किसी प्रकार की फीलिंग महसूस करता रहता है। जो भी मन के अंदर भाव चल रहा है, जो भावना मन के अंदर चल रही है, इमोशन मन के अंदर चल रहा है, उसके प्रति जाग जाना है कि मैं इस वक्त दुख महसूस कर रहा हूँ, मेरे अंदर दुख वाले भाव हैं। थोड़ी देर में वो बदल जाएंगे, फिर न्यूट्रल हों कि अभी कोई खास नहीं है। थोड़ी देर में आप किसी बात से डरते हैं, अभी मैं डर वाली फीलिंग महसूस कर रहा हूँ। किसी ने कुछ डांट दिया, आपके अंदर कुछ भी भूचाल पैदा हुआ, अभी मैं डिसगस्ट महसूस कर रहा हूँ, अभी मैं कुंठित महसूस कर रहा हूँ। जो भी भाव आ रहे हैं उनके प्रति जाग जाना है, ये है तीसरा कदम भाव सतयोग। और चौथा कदम है शून्य सतयोग, इसके बारे में जानने की ज़रूरत ही नहीं है, बस देह सतयोग को जान लें, विचार सतयोग को जान लें और भाव सतयोग को जान लें, बेड़ा पार हो जाता है। वास्तव में विपसना द्वारा मानसिक रोगों का उपचार
बेहद आसान है, बेहद ही आसान है अगर इस प्रक्रिया को हम समझ लें। वास्तव में हमारे देश के अंदर विपसना रिसर्च सेंटर द्वारा विपसना 10 दिन का एक कैंप ही ऑर्गेनाइज किया जाता है, शायद वो 10 या 11 दिन का है। वहाँ पर रहना होता है और पूरी तरह से अपने आप के प्रति जागना होता है। अगर कोई इंसान अपने जीवन में वो 10 11 दिन निकाल ले जीवन के, तो जीवन बदल जाता है। वास्तव में वो 10 11 दिन लाइफ चेंजिंग होते हैं। वहाँ पर रहना और खुद को महसूस करना, आर्यमौन वहाँ पर साधना होता है, तो वो अगर इंसान कर लें तो विपसना के द्वारा अपने आप को तथा अपने आसपास वालों लोगों के लिए वो एक अनमोल रत्न बन जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इन वीडियोस को इतने ध्यान और प्रेम पूर्वक देखते हैं, इसके लिए मैं राजेंद्र आपका तहे दिल से आभारी हूँ।